हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है। यह रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है और इसमें हम लोग टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और अभी चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कोसी नदी, तो इसका उद्गम स्थल सप्तकोशी पूर्वी नेपाल से है, यह सही सुमेलित है। वहीं सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है, यह भी सही है। कर्मनाशा नदी, यह विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, यह भी सही सुमेलित है। गंडक नदी नाम्पा श्रेणी नेपाल, यह सही सुमेलित नहीं है। गंडक नदी नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मानग मोट और कुतांग के मध्य से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी यह सही सुमेलित नहीं है। और गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है। तो रामेश्वर कुंड यह बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। और इसके अलावा मुंगेर में सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और नानक कुंड स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो टाल मिट्टी बिहार के कैमूर क्षेत्र में इसमें नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर। और यह मिट्टी पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कुरैल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है, और चौथा है अवशिष्ट मिट्टी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। तो बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांगजन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यांगजन। नेक्स्ट है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो महाकवि विद्यापति मध्यकाल के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गाँव में हुआ था, और ये शैव ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल में कौन नहीं है। तो इसमें जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल कदमकुआं नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदमकुआं पटना। इसमें श्री गुआन जी तीर्थस्थल मुनि गर्धन स्वामी का समर्पित है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं लछुआर में अति प्राचीन और भव्य भगवान महावीर का मंदिर है, और आरा भोजपुर में यहाँ पारसनाथ के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, और पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार में शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवहर। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 है। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। और मानस राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह वैसे राष्ट्रपति रहे जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें संविधान का अनुच्छेद 111, तो इसमें विभिन्न स्थितियों में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया है।
तो नीति आयोग का गठन यह राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नीति आयोग इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसका CEO परमेश्वर अय्यर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था, इसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था, यह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह है यह एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संविधानेतर निकाय है। वहीं इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है, यह भी गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाई मुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाई मुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ी। और यह चोटी केरल राज्य में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और अन्नामुडी भारत में केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। तो भारत में एशियाई चीता को वर्ष 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था जिसे कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो बात करें जुलू जनजाति की तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा जुलू जनजाति जाम्बिया जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो इसमें मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदी नर्मदा और सोन नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा और सोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें खागनचेंद जोंगा आरक्षित क्षेत्र सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खागनचेंद जोंगा। और इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यह भारत में बात करें आरक्षित जीव मंडल की तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ई खागचेंद जोंगा या सिक्किम राज्य में, इसे भी ध्यान में रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट है विजय अमृत राज इससे संबंधित है। तो विजय अमृत राज टेनिस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेनिस। और इन्हें विजय अमृत राज को 2001 में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं। तो भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य गोवा से सीमा साझा करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके अलावा गोवा अरब सागर से भी अपना सीमा साझा करती है। वहीं बात करें गोवा की तो गोवा को 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था और इसे 1987 ईस्वी में भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है
भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? तो भारत के संविधान में मूलतः 22 भाग समाविष्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाग। और इस भाग के 4 उपभाग भी जोड़े गए हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। संविधान बनने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया है। नेक्स्ट है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसमें कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वहीं पुणे को क्वीन ऑफ डेकन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? तो इसमें शिव कुमार शर्मा तबला वादक नहीं है, ये सितार वादक है, इसे ध्यान में रखिएगा। शिव कुमार शर्मा सितार वादक है। और किशन महाराज, लतीफ खां, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, ये तबला वादक है। नेक्स्ट है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ऑप्शन के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भाषा कन्नड़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2022 तक 7 साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ भाषा में दिया गया है। वहीं बात करें हिंदी भाषा की, तो अब तक हिंदी भाषा के लेखक सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर क्रूप को दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। और इन्होंने 2017 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के खिलाफ खड़ी हुई थी और इन्हें 34% मतों से हार मिली थी। नेक्स्ट है, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैती दिनार। यहाँ कुवैती दिनार एक दिनार बराबर यानी कि एक कुवैती दिनार बराबर 2022 तक 263 रुपये था लगभग में, और यह आंकड़ा हमेशा चेंज होते रहता है। और बात करें कुवैत की, तो कुवैत 1961 ईस्वी में एक स्वतंत्र देश बना है। नेक्स्ट है, FICCI का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यहाँ FICCI यानी कि फिक्की का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिक्की भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में गांधी जी के सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ सभी अस्थायी लागत का जोड़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी अस्थायी लागत का जोड़। और राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भोजन का अधिकार शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा, और इसके बाद इल्तुतमिश के बाद
शमसुद्दीन सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बना और इसका काल 1211 से 1236 तक रहा। और इल्तुतमिश के बाद इसका बेटी रजिया सुल्तान शासक बनी और रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। और इसके बाद बलबन शासक बना और बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 रहा। तो सही क्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही क्रम हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया और फिर गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी। तो चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922, और यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड में थाना में आग लगने से जिसमें एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी, और इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट है अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अमेजन नदी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और आयतन के हिसाब से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और जबकि लंबाई के हिसाब से यह दूसरी नदी है। नेक्स्ट है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें दलदल स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थलीय आवास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 1 घास का मैदान, रेगिस्तान और पर्वत। नेक्स्ट है कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है। तो कलमकारी कला के प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कलमकारी एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा होता है, और कपड़े पर किए गए चित्रांकन को फर कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नेत्र क्या है। तो नेत्र या मानव रहित विमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेत्र विमान एक हल्का निगरानी एवं टोही विमान है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक की, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मुहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाला सुल्तान मुहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मुहम्मद गौरी ने त्राइन की प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद द्वितीय युद्ध में गौरी ने पुनः तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और वहीं चंदावर का युद्ध यह 1194 ईस्वी में हुआ, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था। तो वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1940। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट है पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो बात करें रात और दिन की, तो पूरी पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका कारण है
कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। गर्मी के मौसम में सहारा रेगिस्तान का औसत तापमान 38 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यह सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा। नेक्स्ट है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली पारंपरिक लोक कला कर्नाटक राज्य की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। और बिहार की लोक कला अरिपन है, इसे ध्यान में रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है अरिपन। नेक्स्ट है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। और इन्होंने 1867 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना किया था और प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश पनामा बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पनामा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का मिनीकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो लक्षद्वीप मिनीकॉय या भारत के पड़ोसी देश मालदीव का हिस्सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। और लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यह मिनीकॉय द्वीप ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसमें मांग आधारित जमा स्वीकार करना यह कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसमें एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट या समूह गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के? तो अनैच्छिक पेशी के मांसपेशी में स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के मानदंड पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी का उदाहरण हृदय है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं ऐच्छिक पेशी की बात करें तो इसके उदाहरण हाथ, पैर, मुख और कंकाल की पेशियां है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम के उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। यहाँ मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.20 × 10^22। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है। तो आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई जीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। वहीं बात करें गुण सूत्र की, तो गुण सूत्र मैट्रिक्स तथा DNA का बना होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। तो इसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। नेक्स्ट है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। तो इसमें एड्स, इन्फ्लुएंजा और डेंगू बुखार या वायरस से होने वाला बीमारी है। आंत ज्वार यानी कि टाइफाइड या जीवाणु से होने वाला बीमारी है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह का दाब कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस जगह पर दाब कम हो जाता है क्योंकि हवा उच्च वायुदाब से निम्न दाब वायुदाब की ओर बहती है और वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक काली सतह के बारे में सही कथन है कि
यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काली त्वचा वाला मनुष्य गोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्म एवं अधिक सर्दी का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, मानव कान खाली स्थान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। तो इसमें मानव कान 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि का पता नहीं लगा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें मानव कान की, तो मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है। तो इसमें लोहे में जंग लगना या रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, बारिश होने पर बिजली का चमकना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, बादलों का निर्माण या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। तो एक निकाय पर 25 न्यूटन बल ऊपर की ओर और 10 न्यूटन बल नीचे की ओर लग रहा है, तो इसमें कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम हो जाएगा F=F1-F2। तो 25-10 यानी कि 15 न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 न्यूटन। नेक्स्ट है, वह गैस जो चूने के पानी को दुधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 चूने के पानी को दुधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशिया में परिवर्तन होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशिया शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं सिलियरी मांसपेशी जब फैलती है तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है भी वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है से टकराती है, उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में क्या कमी होगी। जबकि m बराबर द्रव्यमान है तो उसके गतिज ऊर्जा में उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9 परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सरल लोलक का आवर्त काल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। तो बात करें लोलक आवर्त काल की, तो टी बराबर होता है 2π√L/g और यहाँ टी समानुपाती होता है √L का। तो जब इसके लंबाई को 4 गुना कर दिया जाएगा तो टी का मान 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोलक को 4 गुनी करने पर इसका आवर्त काल 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में होता है। तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल बटा विकृति प्रत्यास्थता गुणांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो यह विलयन अम्ल है और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं क्षार, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें संगलन की गुप्त ऊष्मा की मान का, तो इसका मान 80 कैलोरी/ग्राम होता है। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। और बात करें बोर बॉडी के नियम के अनुसार, तो बोर बॉडी के नियम के अनुसार परमाणु का बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। नेक्स्ट है, मलपीघी नलिकाएं निम्न से उत्सर्जित का निष्कासन करती है। तो मलपीघी नलिकाएं रक्त लसिका उत्सर्जी का निष्कासन
करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त लसिका। नेक्स्ट है वाष्पोत सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वाष्पोत सर्जन की दर सबसे अधिक प्रभावित आर्द्रता से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रता। बात करें वाष्पोत सर्जन की तो इसे प्रभावित करने वाले कारक है वायु में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाता है और तेज हवा चलने से वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होती है, वहीं तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं? तो दूध उत्पादक मादा मवेशी को दुधारू पशु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुधारू पशु या मिल्च एनिमल। और वहीं कृषि में कार्य करने वाले पशु को इसको ड्राफ्ट एनिमल कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा ड्राफ्ट एनिमल। नेक्स्ट है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाले दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का इथिकरण हो सकता है? तो वायुमंडल में तरित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।